एक वायर जाती है हमारी स्विच में और एक जाती है हमारी मोटर में। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी एक साइड कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह हम चारों खिड़कियों में इस तरह करते हैं और दो दो तारें एक एक खिड़की में लगती हैं। और उससे क्या होता है कि आज की हमारी वीडियो है पावर विंडो रिले पे, ये देख सकते हैं। ये हमारे पास है आरडी का, ये हमारा रोल अप है कि जब हम गाड़ी लॉक करते हैं तो हमारे जो सारे के सारे शीशे ऑटोमेटिक ऊपर हो जाते हैं, उसके लिए लगती है हमारे पास रिले। ये एक आगे हमारी रिले यूनिवर्सल वाली, हम आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये कपलर टू कपलर नहीं होती, ये किसी भी गाड़ी में लग जाती है, ये हमारी यूनिवर्सल होती है। इसमें ये होता है कि इसमें हमें वायर कट करना पड़ती है। जैसे अगर पहले है इसमें येलो वायर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, इस वायर को हम खाली छोड़ेंगे। फिर आगे हमारी ब्लैक आएगी हमारी अर्थ वाली वायर, और फिर एक आगे हमारी रेड। तो जो हमारी रेड वायर है, रेड वायर लगेगी हमारी सीधा डायरेक्ट बैटरी के साथ, उससे ये होगा कि उससे कंटिन्यूस में करंट आता रहेगा। ये हमारी दो वायरें हो गई। फिर आ गई हमारी एक ऑरेंज कलर की वायर, ये ऑरेंज कलर की वायर ये लगेगी हमारी लॉक पे। जब हम लॉक करेंगे जो हमारे शीशे ऊपर होंगे वो इस वायर का काम है, इसको लगाएंगे हम अपनी लॉक पे, लगाएंगे इसको हम लॉक वाली वायर पे लगाएंगे, जिसे हम जैसे लॉक दबाएं तो उसमें जिसमें जिसे करंट आए, यानी कि इसको हम मोटर पे लगाएंगे, ये हमारी लगेगी मोटर पे लॉक वाली। और फिर आ गई हमारी एक वायर, आ गई हमारी ब्राउन वायर लगेगी हमारी फुल चाबी पे, इग्निशन पे, इसको लगाएंगे हम इग्निशन पे। ये हमारा हो गया मेन वाला भी हो गया, इग्निशन वाला भी हो गया, अर्थ वाला भी हो गया, और हमारा लॉक वाला भी हो गया। पीछे बचती हैं हमारे पास आठ तारें, ये आठ तारें दो दो तारें एक एक साइड के उसकी हैं, अब दो दो तारें अपने एक एक डोर की हैं, एक एक खिड़की की हैं। एक जाती है हमारी स्विच में, एक वायर जाती है हमारी स्विच में और एक जाती है हमारी मोटर में। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी एक साइड कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह हम चारों खिड़कियों में इस तरह करते हैं और दो दो तारें एक एक खिड़की में लगती हैं, और उससे क्या होता है कि उसमें वो हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारा ये काम करने लगता है। मैं आपको बताऊंगा इनकी वायरिंग के बारे में कि कैसे कौन कौन सी वायरिंग कहाँ लगेगी। जैसे कि कभी कभार हमारे पास प्रॉपर रिले नहीं होती, तो कोई कस्टमर कहते हैं कि हम आप दूसरी वाली लगा दो, तो उसमें हम क्या होते हैं, उसमें हम ये वाली लगा सकते हैं। इसमें आप वायरें देख रही होंगी, बड़ी सारी वायरें हैं, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वायर कहाँ लगती है। मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास है इसकी आरडी की रिले, और ये रिले है हमारे पास यूनिवर्सल, देख सकते हैं इसमें कितनी तारें हैं, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें बड़ी सारी वायरें हैं। ये एक तार है हमारे पास स्काई ब्लू की, जैसे आसमानी रंग होता है उस तरह, और एक है ये लाइट ग्रीन की। इस पर कोई धारी नहीं है और ये सिंपल तार है प्लेन, इस पर कोई धारी नहीं है। ये हमारी लगेगी एक ये हमारी लगेगी एक शीशे पे, इसको हम किसी भी शीशे पे लगा दें। तो एक वायर जाएगी हमारी स्विच में और एक जाएगी हमारे मोटर में। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा जैसे हम स्विच ऊपर करते हैं कि कौन सी वायर में करंट आ रहा है। स्विच ऊपर करने से जिस वायर में करंट आए उसको हमने क्या करना है, उसको हमने बीच से ऐसे कट कर देना है, और एक वायर उसमें से लग जाएगी स्विच को और एक वायर लग जाएगी हमारी मोटर को। इस तरह हमारा होगा ये एक, ये हो गया हमारा एक शीशा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें दूसरे की भी ढूंढनी है। अब दूसरे शीशे की हम किस तरह वायर ढूंढेंगे, वो हम इस तरह ढूंढेंगे। एक तार आ गई हमारी ब्लू पे ब्लैक दारी, और एक आ गई हमारी ग्रीन पे ब्लैक दारी, यानी कि ये कलर इस पर अलग है, ब्लू कलर अलग है, ग्रीन कलर अलग है, पर इन पे ब्लैक दारी है, यानी कि ये हमारे एक शीशे की है। तो इसी तरह ये हमारे दूसरे शीशे पे लगेगी, इसी तरह हम वायर को कट करके एक हमारी स्विच पे चली जाएगी और एक हमारी मोटर पे चली जाएगी। ये हमारी दो शीशे की आ गई, और जो हमारी तीसरे शीशे की ये आ गई, एक पे है ग्रीन पे रेड दारी और एक है ब्लू पे रेड दारी। तो ये एक कंपनी ने पहचान भी बताई हुई है कि तारे ढूंढने की, ऐसे हमें क्या पता लगेगा कि कौन सी वायर कहाँ लगेगी। तो ये होगी हमारे तीसरे शीशे की, इसको भी सेम इसी तरह लगाएंगे। और ये हमारी चौथी वायर, एक पे है ग्रीन पे वाइट दारी और एक पे है ब्लू पे वाइट दारी। इससे ये होगा कि ये भी हमारी उसी तरह लगेगी। वायर को हम पहले चेक करेंगे कौन सी वायर में करंट आ रहा है शीशे ऊपर करने पे, उसके हम दो हिस्सों में इसको काट देंगे, और एक जाएगी हमारी स्विच पे और एक जाएगी हमारी मोटर पे। और इस तरह हमारा लग जाएगा ये आरडी का रोल अप, जिसे हम लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे शीशे ऊपर हो जाएंगे। अगर आपको वायरिंग के बारे में थोड़ा सा भी समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह